नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर देव कुमार, पीएचडी इतिहास एक बार, जीआरएफ चार बार, नेट पास। तो आज की क्लास यूजीसी नेट हिस्ट्री और असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी हिस्ट्री तो ये जो क्लास है दोस्तों आप जानते होंगे लगा दिया यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी के लिए है। ठीक है, तो आइए पहला सवाल आपके सामने हाजिर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन, कौन सही सुमिलित नहीं है। ठीक है, सुमिलित नहीं है, कौन समृद्ध नहीं है। तो देखो ये चार पुस्तकें हैं और उनके लेखक के नाम हैं। पहली पुस्तक का नाम है अवध इन रिवोल्ट। ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में आ चुकी है और ये भविष्य में आएगी भी जरूर। ठीक है, तो इनके लेखक का नाम है रुद्रांशु मुखर्जी। दूसरा है द पेजेंट आर्म्ड, एरिक स्टॉक। तीसरी है द राज ऑफ रानी, मीना भार्गव। और चौथा है द लास्ट मुगल, विलियम डेल रिपल। ठीक है, रिपल। तो आपको बताना है ये चारों ही बुक मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये चारों बुक। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से देखो अवध इन रिवोल्ट, इसका मतलब है कि 1857 क्रांति में जब अवध क्षेत्र में 57 के आसपास, ठीक है, जब अवध को 1856 में हड़पा गया, बाजिद अली शाह उसका नवाब था, डलहौजी द्वारा उसको कुशासन का आरोप लगाकर उसको हड़पा गया, तो तब एक इतिहासकार जिनका नाम है रुद्रांशु मुखर्जी, उन्होंने उस समय के ऊपर अवध इन रिवोल्ट लिखा है। पहला ठीक है। दूसरा द पेजेंट आर्म्ड, इनकी पुस्तक का नाम है, ये जो पुस्तक है ये लिखी है एरिक स्टॉक्स ने। ठीक है, और द राज ऑफ रानी, ये जो राज ऑफ रानी है ये लिखी गई है झांसी की रानी के द्वारा, ऊपर लिखा है राज ठीक है, ब्रिटिश समाज में मिला लिया गया था इसी के द्वारा। तो ये मीना भार्गव की नहीं है, ये पुस्तक है ताप्ती राय की। किसकी? ताप्ती राय की। ये पुस्तक का नाम है, लेखक है ताप्ती राय। द लास्ट मुगल, इनकी डेल रिम्पल, तो ये सही है। तो जो गलत है वो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना द राज ऑफ रानी ताप्ती राय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दो, झांसी के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय कौन झांसी का ब्रिटिश रेजिमेंट रेजिडेंट था। ठीक है, इनकी पॉलिटिकल एजुटेंट, जॉन लॉरेंस मार्टिमल, मोंटगोमरी, मेजर एलिस या मेजर मालकस। देखो आपने शायद ही सुने होंगे ऐसे सवाल। तो देखो आप जानते होंगे डलहौजी है ना, डलहौजी, डलहौजी 1848 से लेकर 56 तक रहा। ठीक है, और उसने राज्य हड़प नीति, कौन सी नीति? राज्य हड़प नीति, लैप्स। ठीक है, यानी कि राज्यों को उसने अपने साम्राज्य के तहत मिला लिया। ठीक है, किसी पर आक्रमण करके, ठीक है, किसी पर कुशासन का आरोप लगाकर,
किसी पर उत्तराधिकार ना होना किसी राजा का, और राजा मर गया उसको हड़प लिया, ठीक है। इस तरीके से किसी पर कुछ आरोप लगाकर, किसी पर कुछ आरोप लगाकर राज्य नीति हड़प नीति के तहत उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। तो देखो डलहौजी था, और झांसी का जो उस समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, तो जब लक्ष्मीबाई का जो पति थे वो जब ख़त्म हो गए और उनका कोई सगा बेटा नहीं था, ठीक है, तो लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र गोद ले लिया, परंतु सरकार ने उसको माना नहीं, ठीक है। तो सरकार ने उसको 1853 में अपने साम्राज्य में मिला लिया। उस समय का ये घटना है, सवाल है कि झांसी के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय, यानी कि विलय का हुआ 1853 में, कौन सा झांसी का ब्रिटिश रेजिडेंट था, रेजिडेंट, ठीक है। यानी कि आप जानते होंगे कि रेजिडेंट कौन होता है, रेजिडेंट का मतलब है कि जब ब्रिटिश साम्राज्य धीरे धीरे जो रियासत थी उनको विलय कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई या तो आप हमारे साम्राज्य के क्षेत्र में आ जाओ और हम हमारी सेना आपका जो है सुरक्षा करेगी, और उस सुरक्षा के बदले आपको उनके लिए खाना पूर्ति या जो है उनको जो है वेतन देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या था कि जो ब्रिटेन था उनको फ्रांसीसियों वालों से डर लग रहा था, ऐसा ना हो कि भाई साम्राज्य विस्तार कर ले, इसलिए इन्होंने जो है रिंग फेंस की नीति भी अपनाई थी, इसी प्रकार राज्य हड़प नीति भी अपनाई थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि भाई किसी, जैसे कि मान लो झांसी, ठीक है, झांसी का राज्य है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा एक रेजिडेंट रहेगा, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य का हमारा एक रेजिडेंट रहेगा आपके राजधानी में, और वो जो राजधानी था, जो रेजिडेंट था, वो क्या करेगा कि ये जो झांसी राज्य है ये अगर किसी से युद्ध करेगा तो रेजिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, कोई भी समझौता करेगा इससे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ भी करेगा एक्स वाई जेड, यानी कि एक तरीके से इनको नौकर बना दिया, ठीक है, रेजिडेंट ने। तो वो जो रेजिडेंट था झांसी का वो कौन था, तो सही आंसर मेजर एलिस था, ठीक है। यही जो एलिस जो था यही झांसी की खबरों को सरकार तक पहुंचाता था, ठीक है, तब वहां से कार्रवाई होती थी। इस तरीके से इनको वो लगाया है रेजिडेंट, ठीक है भाई, झांसी, यानी कि कह सकते हैं कि भाई जो जो हड़प नीति के अंतर आ गया, या कह सकते हैं लॉर्ड विलेजली की सहायक संधि के अंतर्गत आ गया, ठीक है, लॉर्ड विलेजली की सहायक संधि के तहत जो है रेजिडेंट नियुक्त किया गया था, ठीक है, क्योंकि उस समय नेपोलियन बोनापार्ट का भय था और उससे बचने के लिए सहायक संधि की गई, और सहायक संधि इसलिए की गई ब्रिटिश साम्राज्य ने कि भाई ऐसा ना हो कि आप पर नेपोलियन बोनापार्ट का हमला हो जाए, ठीक है, तो हम मदद नहीं करेंगे, अगर आप हमारी बात मानोगे तो हम आपको सुरक्षा देंगे नेपोलियन बोनापार्ट या फ्रांसीसियों से, ठीक है, क्योंकि रूस भी अपनी शक्ति बढ़ा रहा था उस समय और फ्रांस भी अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। तो लॉर्ड विलेजली ने एक नीति हिंदुस्तान में लागू की, उसका नाम था सहायक संधि, ठीक है, धीरे धीरे कभी झांसी पर, कभी हैदराबाद पर, धीरे धीरे काफ़ी सारे राज्यों पर उन्होंने सहायक संधि लाद दी, जिसके तहत राजधानी में एक ब्रिटिश सेनाधिकारी जिसको वो लगाया है रेजिडेंट रखना अनिवार्य किया गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। देखो 1799 सॉरी 1899 से 1905 एक वायसराय रहा जो सबसे प्रसिद्ध था, ठीक है, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था उसका? लॉर्ड कर्जन। आप जानते होंगे लॉर्ड कर्जन के कितने सारे काम हैं। देखो
ऐसी बात नहीं, उसने बंगाल विभाजन भी किया। बंगाल विभाजन भी उसका काम 1905 में, ठीक है। इसके अलावा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, जिसको पहला महाविद्यालय अधिनियम बोलते हैं, ठीक है। पूसा कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा रेलवे आयोग बनाया इसने, रेलवे आयोग। इसके अलावा नगर पालिका, इसके अलावा इसने पुलिस विभाग बनाया, पुलिस विभाग, ठीक है ना। और इसने क्या कहते हैं, सांस्कृतिक विभाग बनाया, सांस्कृतिक विभाग, ठीक है। तो उसका नाम था लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है, ठीक है। तो देखो, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो भाई उसका नाम क्या है, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर यानी कि आग के छल्ले, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और देखो, डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे 1941 से 1946 तक, 46 तक जे ये नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, याद रखना। देखो इस पर कितने सवाल बनते हैं, अगर पूछा जाए कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम, ठीक है। और फिर आ जाए क्रिप्स मिशन के समय कौन थे, तो यही थे, ठीक है। और कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कौन थे, तो यही थे, ठीक है। नौसेना विद्रोह के समय भी यही थे, लॉर्ड बेबेल योजना के तहत भी यही थे, शिमला समझौते के तहत भी यही थे, राजगोपालाचारी आयोग के जो समझौता था उसके तहत भी यही थे, ठीक है। तो ये कई, और इनको कहते हैं पहले शिक्षा मंत्री, और यही थे यूजीसी के प्रथम चेयरमैन, यूजीसी के प्रथम चेयरमैन, याद रखना, ठीक है। कभी आप जाओ तो आपको पता लगेगा कि भाई सबसे बड़ी जो तस्वीर है तो मौलाना अब्दुल कलाम की है, ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम। तो एक दिक्कत हो गई इस सवाल में, मैंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बताया, परंतु ये है डॉक्टर अब्दुल कलाम, ठीक है। ये जो है ये हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो देखो, अगर मैंने जितना बताया है तो ये जो बताया है मैंने वो बताया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में, ठीक है। मैं सोचा कि वो ही है। तो
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री थे। अब ये तो आप जानते होंगे भाई डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में, ठीक है, राष्ट्रपति भी बने थे हमारे ये, ठीक है, मिसाइल मैन भी इनका नाम है, मिसाइल मैन, ठीक है, क्योंकि तो इन्होंने मिसाइल का आविष्कार किया था भारत में, ठीक है। इनकी आतंकता है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। दोस्तों गाइड चली गई है ज़रा, ठीक है, थोड़ा सा अब इसको दूसरे मोड पर लगाते हैं, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा बस। आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, चिंता ना करना, ठीक है। अभी हम जो है इसको, ये देखो आ चुकी है हमारी, ठीक है। तो भारतीय, ये तो मैंने बता दिया है आपको, ये है कर्जन, कर्जन, इसके बाद में विंग्स ऑफ फायर, चौथे का फर्स्ट, ठीक है। पांचवा है 1921 में प्रेस इंक्वायरी कमेटी किसकी अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी, ठीक है। 1921 में प्रेस इंक्वायरी कमेटी किसके नेतृत्व में, ठीक है, किसके नेतृत्व में गठित की गई थी, तो इसका सही आंसर है, ठीक है, पांचवे का सही आंसर है पांच का फर्स्ट है तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू। और ये कौन थे दोस्तों, ये उदारवादी दल के थे, लिबरल पार्टी, ठीक है, उदारवादी दल के सदस्य थे, ठीक है। तो पांचवी का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर छः, निम्नलिखित संगठनों में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था, शुद्धि आंदोलन का, ठीक है, तो शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो सही आंसर छठे का फर्स्ट, आर्य समाज। ये सारे ही सवाल आज आधुनिक भारत के हैं। क्वेश्चन नंबर सात, निम्नलिखित सदी के महान पारसी समाज सुधारक कौन थे, 19वीं सदी के, ठीक है, यानी कि 1800 से लेकर, ठीक है, और 1900 के बीच का जो काल होता है उसको बोलते हैं 19वीं सदी। तो भाई 19वीं सदी के सबसे महान पारसी समाज सुधारक कौन थे, वो थे बहराम जी एम मालावारी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने महिला शिक्षा के लिए, ठीक है, और महिलाओं के विवाह के लिए, महिलाओं के शिक्षा के लिए, विधवाओं के स्कूलों के लिए काफ़ी सारा काम किया। 1891 में, याद रखना 1891 में, ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, यानी कि महिलाओं जो थी, बच्चियां, बालिकाओं के विवाह की आयु निर्धारित करने का एक इन्होंने कानून पास करवाया था, इसमें बच्चियों की जो उम्र थी वो 12 साल निर्धारित की गई थी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आठ, किसी एक व्यापार कंपनी का काम भारत में व्यापार करना कम तथा मिशनरी, यानी कि ईसाई मिशनरी, ईसाइयों की संख्या बढ़ाना ज़्यादा था, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डेनिश, आयरलैंड, ठीक है। तो भाई इसका सही आंसर है डेनिश, ठीक है, डेनिश आप जानते होंगे, डच भी बोलते हैं इनको। 1602 में
ये भारत आए थे, ठीक है, और इन्होंने प्रथम कोठी 1616 में खोली थी, ठीक है। तो डच के लोग जो है व्यापार का काम कम था, मिशनरी काम ज़्यादा था। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी। देखो एक सवाल आता है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, ये 1924 में स्थापित किया गया था, 1924 में, परंतु इसके बाद 1928 में, 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ने, ठीक है, HRA का नाम बदलकर HSRA कर दिया। ये सवाल कई बार आ चुका है, तो कहाँ पर स्थापना होती है, दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान में, ठीक है, तो नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया, ठीक है, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो 1889 में, कितने में, 1889 में पंजाब में मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ठीक है, ये सुधारवादी थे, मिर्ज़ा गुलाम अहमद सुधारवादी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, राजा राम मोहन राय की जीवनी का लेखक कौन था। देखो 1833 में इनकी मृत्यु हुई, कहाँ पर, ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में, ठीक है, तो वहाँ पर जिनके यहाँ रुके थे वहाँ पर एक लेडीज का नाम था मेरी कारपेंटर, इन्होंने इनकी जीवनी लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी, 11 का बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कौन एकमात्र ब्रिटिश थे जिसको सिखों ने बिना जूते उतारे, जिसने सिखों के, कौन एकमात्र ब्रिटिश थे जिसने सिखों के जिसने बिना जूते उतारे स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया, सिखों के, ठीक है, उसका नाम था सर जॉन लॉरेंस। कई बार आ चुका है सवाल, सर जॉन लॉरेंस, ठीक है, और ये समय था 1868 में। ये इतना देखो दुनिया वहाँ पर जूते चप्पल उतार जाती है, परंतु ये ऐसा था, इसने बिना जूते चप्पल उतारे ही स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर गया था। क्वेश्चन नंबर 13, पेशवा बालाजी बाजीराव मुगल बादशाह से संधि करने के लिए मध्यस्थ के रूप में सवाई जयसिंह द्वितीय के कब धौलपुर का समझौता किया था। तो कब किया था, 8 मई 1741, 8 मई 1741, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन गवर्नर जनरल था जो अपनी नीति को न्याय तथा तर्क संगत और परिमित शांत कहता था, मराठा राजनीति को वह निम्न और क्षुद्र मानता था, उनकी नीतियों के लिए वह विकृत षड्यंत्रपूर्ण और कपटी विश्लेषणों का प्रयोग करता था, ठीक है, कौन था वो। तो भाई सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, जो सहायक संधि का जन्मदाता था, सहायक संधि का। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लॉर्ड क्रॉस के अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। देखो चार ऑप्शन है, 1861, 1892, 1909, 1919। तो भाई देखो जो लॉर्ड क्रॉस थे वो रूढ़िवादी दल की सरकार में सचिव थे, रूढ़िवादी जो दल था, ठीक है, यानी कि पुरानी मान्यता को मानने वाला जो दल था उनकी सरकार में सचिव थे, ठीक है, रूढ़िवादी,
दल सचिव थे, ठीक है, और उनके सुझाव पर एक कानून पारित हुआ संसद में, उनकी संसद में, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत चेंज करके नाम दिया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, ठीक है, याद रखना। तो भाई ये थी क्लास, कैसी लगी? अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।